हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ग्रीन टी के बारे में। ग्रीन टी मोटापा कम करने, चेहरे और बालों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए बहुत मुफीद है। इसके साथ साथ ये बहुत सी बीमारियों से भी बचाती है, जैसा कि ब्लड शुगर, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम। ग्रीन टी जिस्म को तंदुरुस्त और हेल्दी रखने के लिए अगर हम रोज़ाना पी जाने वाली चाय की जगह ग्रीन टी का इस्तेमाल कर लें तो ये बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ कि ये ग्रीन टी हमारे चेहरे को किस तरह खूबसूरत बना सकती है। वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और आपने बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ट्री बैग्स को जो बाज़ार से मिलती हैं वैसे ही मैंने यहाँ रखी है और इस ट्री बैग्स को मैंने गर्म बाउल में गर्म पानी लेकर उसमें ये डालकर 5 मिनट स्टीम करने के बाद वाटर पानी जो है वो मैंने ग्रीन टी इसमें डाल दी है। इसको आप एज आ टोनर भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मास्क के मास्क किस तरह बनाएंगे। जो बाज़ार से ग्रीन टी मिलती है आपने वैसे ही इसको बैग्स को कटिंग करके इसमें बाउल में डालना है। आप अपने फेस के अकॉर्डिंग ग्रीन टी बैग्स ले सकती हैं। मैं इसमें 3 ले रही हूँ। इनको ऐड करने के बाद 1 टेबलस्पून आपने ऑरेंज पील पाउडर ऐड करना है। ये ऑरेंज पील पाउडर मैंने दराज से लिया था। आप ऑरेंजेस को ड्राई करके, उसके छिलके को ड्राई करके पाउडर की फॉर्म में ग्राइंड करके उसको लाया जा सकता है। 1 टेबलस्पून ऑरेंज पील पाउडर। अब आपने इसी में ऐड करना है 1 टेबलस्पून हनी। अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। मेरी ग्रीन टी और ऑरेंज पील पाउडर की क्वांटिटी ज़्यादा थी तो आप इसमें और हनी डाल सकते हैं। अच्छी तरह इसको इसका पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के बाद आपने इस मिक्सचर को अपने फेस पर अप्लाई करना है। ग्रीन टी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है जो हमारे फेस पर नमूदार होने वाले बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती है। इस फेस मास्क से आपके स्किन पर जो एक्नी है और आप वो बिल्कुल तौर पर ख़त्म हो जाएगी और इसके अलावा ये आपकी स्किन को बहुत खूबसूरत और सॉफ्ट कर देगा। अब चलते हैं रेमेडी नंबर 2। एक बाउल लें, उसमें जो ये ड्राई जो ग्रीन टी थी उसको आपने ऐड करना है। कटिंग करके उसके लिए इसको आपने ऐड करना है। अब इसमें आपने 1 टेबलस्पून हनी ऐड करना है। इसके बाद आपने चंद कतरे लेमन के ऐड करने हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप लेमन ना डालें, ये ऑप्शनल है। अब इस मिक्सचर को आपने अपने फेस पर अप्लाई करना है। इससे भी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और नेचुरल हो जाएगी और आपकी स्किन टोन भी बहुत अच्छी होगी। अब मैं आपको बताती हूँ टोनर। टोनर ये वो है जो जिसमें ग्रीन टी मैंने बनाई है, ये वो पानी है। इसमें आप एलोवेरा डाल लें, इसमें आप थोड़ी सी एलोवेरा ऐड कर सकते हैं। अगर एलोवेरा नहीं ऐड करनी तो आप इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह हिलाना है। इसको आप अपने फेस पर स्प्रे कर लें। ये सुबह मुंह फेस वॉश करने के बाद, मुंह धोने के बाद आपने ये टोनर यूज़ करना है।
ये रेमेडीज़ आप अपने फेस पर अप्लाई करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपकी एक्नी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, इसके डेली के इस्तेमाल से एक्नी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको हर आने वाली बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।